बरेली जनपद में जनता कोरोना से जूझ भी नहीं पाई थी, इसके बाद अब बरेली के गड्ढे जनता को दिक्कत पैदा कर रहे हैं। लगातार लंबे समय से बदायूं रोड पर इस गड्ढे ने हजारों वाहनों को प्रभावित किया है। लगभग 2 महीने से ज्यादा इस गड्ढे को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बरेली पर प्रशासन ने इस पर संज्ञान नहीं दिया है। क्षेत्रवासियों की माने तो दिन हो या रात, कई बार दोपहिया और चार पहिया वाहन इसमें दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। कई बार इसकी शिकायत संबंधित विभागों की है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। सबसे बड़ी दिक्कत तो तब है जब बरसात होने के बाद यह नजर ही नहीं आता है और इससे गुजरने वाले वाहन धोखे में आकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। अगर प्रशासन ने इस पर तत्काल कार्यवाही नहीं की तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस संबंध में बताते हुए क्षेत्रवासी। सर, अभी आप यहीं पर रहते हैं, ये जो गड्ढा है और काफी दिनों से ये जो भरा नहीं है, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं सामने रहता हूँ रात में, यहाँ पर करीब नहीं तो 5, कभी 6, कभी 10 ऐसे हादसे होते रहते हैं। कभी बाइक गुजरे, कभी टेम्पो गुजरा, कभी गाड़ियाँ घुस जाती हैं यहाँ पर। तो फिलहाल दिक्कतें बहुत आती हैं, मुझे रात में उठना पड़ता है, पूरी पूरी रात सो नहीं पाता हूँ। कभी 2 बज रहे हैं, कभी 1 बज रहा है, 3 बज रहा है, इस तरीके से बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर जो है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हम यहाँ पर रोज देखते हैं कि अभी जैसे कि एक निकाल रहे, 3 फीट का गड्ढा है यहाँ पर, 2 फीट का ये है आप गड्ढा देख, 2 फीट का ये गड्ढा है। गुप्ता जी, दिन में तो गड्ढा दिखाई दे जाता होगा, रात में क्या हाल है? नहीं दिखाई देता है, हमको उठाने के लिए भागना पड़ता है वहाँ से। अच्छा, रात में 2 बजे उठ के हम भागे कल यहाँ पर, एक बाइक गिर गई थी शाम को करीब 10:30 बजे, कोई नहीं था पूरी रात, सुनसान थी, लाइट भी नहीं थी उस समय, हमें वहाँ से भागना पड़ा, घर से निकलना। तो ये जो लंबे समय से यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, प्रशासन जो है सबको पता है यहाँ पर, ठीक है, जो भी प्रशासन है, PWD है, नगर निगम, सबको पता है, सभी लोग इसी को नजरअंदाज कर देते हैं। कोई नहीं चाहते कि हम इस पर, कोई नहीं चाहता है।